हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर लिया था और एक दिन का ब्रेक लिया था, आई होप आप सबने एक बार फिर से पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया होगा। और बहुत जल्दी हम प्लेटफॉर्म पे आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के जो चैप्टर हम रिवाइज कर लेंगे उनके क्वेश्चंस की हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो गुड नाइट सीरीज का ये अपना सिक्स लेक्चर है। इस सिक्स लेक्चर में हम जो बेसिकली बात करेंगे वो एक नए चैप्टर से रिलेटेड होगा जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को जानने से पहले हमें समझते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। सब डिटेल में हम पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए, सब एग्जाम में ये सब नहीं पूछे जाते। आपको सिंपल सा वही करना है जो आप करते आ रहे हो। आपको अपने आपको सिर्फ आंखें बंद करके जस्ट लिसन एंड नथिंग एल्स, और आपको कुछ नहीं करना है। तो हमको पता है कि ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है मॉलिक्यूल स्टेबल होगा क्या होगा ये होगा, सब कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात होती है कोई एटम क्यों कंबाइन करता है। सबसे पहली चीज़ वो अपने आप की एनर्जी को कम करने के लिए और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी एनर्जी को कम और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते। इस टर्म में ना एक थ्योरी आई थी, ऑक्टेट रूल थ्योरी, या जिसको हम बैलेंसिंग थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम 8 इलेक्ट्रॉन रूल थ्योरी भी कहते हैं। होता क्या है कि अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन्हीं को जो है स्टेबल माना जाता है, उन्हीं को क्या करते हैं, हम स्टेबल मानते हैं। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए एलिमेंट्स एटम्स क्या करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये ट्रांसफ़र और शेयरिंग दो ही तरीके हैं, या तो ट्रांसफ़र करें या फिर शेयरिंग करें, दो ही तरीके हैं, जिसमें पहला है आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। मतलब वो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड का। देखो, आप सभी जानते हो कि बाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। हम वहाँ ये सब बातें नहीं करेंगे, डिटेल बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 40 से 45 मिनट के रिविजन में केमिकल बॉन्डिंग को कम्प्लीट करना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आयनिक बॉन्ड में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम वो करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल की आईपी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। आईपी लो की मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, हाई ईए का मतलब इलेक्ट्रॉन इजली एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, एक और टर्म होता है जो बेसिकली कई बुकों में नहीं मिलता है, वो है हाई लैटिस एनर्जी। अभी लैटिस एनर्जी टर्म क्या होता है पहले ये समझते हैं। लैटिस एनर्जी होता है जब कोई कैटायन और एनायन 1 मोल सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, उस समय आयनिक सॉलिड जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अभी लैटिस एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है? लैटिस एनर्जी इन इन बातों पर डिपेंड करता है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के पास आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी। और दूसरा, लैटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज पे भी डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी, दूसरा जितना ज़्यादा साइज उतना उतनी कम लैटिस एनर्जी। अच्छा, स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, मतलब चार्ज ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, आपको भी पता है कि जब चोर जो है ना वो पुलिस को क्या करता है, चोर जो है पुलिस को जब अपने कस्टडी में लेता है तो बहुत ज़्यादा क्या करता है, टॉर्चर करता है। तो जो छोटे मोटे चोर होते हैं ना, वो जल्दी पुलिस क्या करता है, थोड़ी सी मार में मेल्ट हो जाते हैं, सारी बातें बता देते हैं। तो मतलब वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। मतलब बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। अच्छा, कोई भी जितना ज़्यादा स्टेबल है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो बेसिकली अगर हम रिलेशन को एक बार डिटेल में पढ़ें तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इतनी चीज़ें लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट ही क्यों, नॉन पोलर क्यों नहीं? पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर वो होते हैं जो आयनिक फॉर्म में होते हैं, नॉन पोलर जो आयनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। जब आयनिक फॉर्म में होंगे तो उनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के। आपको ये याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ में हम बात करते हैं आयनिक की। अगर इसमें हम एक और बात करें कि ये हाई मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, मतलब इनका जो
कहते हैं ना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, और इनके जो बॉन्ड्स होते हैं कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। दूसरा, ये दूसरे एक बात याद रखना कि ये फ्री स्टेट में क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का मतलब कि मतलब इनकी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर है वो बहुत कम होती है। लेकिन एक्वस स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं। उसका रीजन क्या है? देखो, अगर ये आयनिक सॉलिड है, अपने इलेक्ट्रॉन को आयन ने रिलीज कर दिया तो किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया, जब एक्सेप्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ही नहीं। तो जब एक्वस मीडियम हम लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं क्योंकि वाटर आके कंज्यूम कर लेता है कुछ आयन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो उससे ये आगे फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आयनिक बॉन्ड के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड विल बी फॉर्म, नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब नहीं पूछेगा। बातें तो वो पूछेगा जो पूछी जानी चाहिए। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तो 9th क्लास का भी बच्चा बता देगा। अच्छा सॉरी, आगे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, अरे बीच बीच में इसलिए बोलना पड़ता है कि आप अपनी नींद से जग जाओ, टॉपिक से अगर ऐसे खोएंगे तो आप सो जाओगे। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग करते हैं। इक्वल शेयरिंग का मतलब कि जितना एक देगा उतना दूसरा एक्सेप्ट करेगा। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनता है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड? इतने ही बन सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। इससे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। कोवेलेंसी, देखो एक टर्म आती है वैलेंसी, एक होती है कोवैलेंसी। देखो वैलेंसी सिंपल सी है कि चार से ज्यादा नहीं हो सकती, 1, 2, 3, 4 ही होती है। कोवैलेंसी कभी कभी 8 भी हो जाती है। क्या कंसेप्ट है कोवैलेंसी का? देखो जितने कोवैलेंट बॉन्ड बन सकते हैं किसी एटम के द्वारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, दैट इज कॉल्ड देयर कोवैलेंसी, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है लेकिन कोवैलेंसी 5 होती है। कैसे? फास्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। ये सब चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है? तो कोवैलेंसी मेरा समझाने का सिंपल सा मीनिंग है कि कितना बॉन्ड कोई एटम बना रहा है, वो इसकी क्या होती है, कोवैलेंसी होती है। जैसे हम आपको अगर याद करा दें तो जिन पीरियड नंबर 2 वालों की 4 होती है, 3 एंड 4 वालों की 6 होती है, 5 एंड 6 की 8 होती है, ये कोवैलेंसी होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी। मिनिमम तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगी ना, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो पीरियड नंबर 2 में है उनकी 4, जो 3 या 4 में उनकी 6, जो 5 या 6 में उनकी 8 होती है। तो कोवैलेंसी वाले टर्म को थोड़ा आप ध्यान रखना। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर कोवैलेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट। पोलर कोवेलेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब जिन पे डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे कोई मॉलिक्यूल ए और बी आपस में कंबाइन कर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट, ठीक है? और ऐसे ही अगर अगर कोई आपके और मॉलिक्यूल हो, जैसे ए ए आपस में कंबाइन कर जाए, ए ए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर हम प्रॉपर्टीज की इनकी बात करें कोवेलेंट बॉन्ड्स की, तो पता है कि ये लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं क्योंकि इनमें वॉन्डर वॉल फोर्स का फॉर्मेशन होता है। इतना ज़्यादा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होते हैं, शेयर्ड होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, हमने लास्ट लेक्चर 5th लेक्चर में भी बताया था कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जैसे डायमंड, ठीक है, नॉर्बाइड, कार्बोरंडम, कोरंडम, दिल भी सीख लेगा, याद होगा आपको। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयनिक से भी ज़्यादा होता है, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इसलिए ज़्यादा होता है। दूसरा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है वो ये है कि HCl गैस फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है जबकि एक्वस फॉर्म में गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि आपका जो हाइड्रोजन है, चाहे वो गैस फॉर्म हो चाहे आपका एक्वस फॉर्म हो, हर जगह वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है? तो आज हम लोगों ने आयनिक और केमिकल बॉन्ड को कंप्लीट किया। आयनिक बॉन्ड में जो याद रखना है, लो आईपी, हाई ईएन, हाई हाई लैटिस एनर्जी। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग सक्सेस केमिस्ट्री, एंड आई होप यू आर वेल। और बहुत जल्द हम लोग प्लेटफॉर्म पे जल्द ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग सक्सेस केमिस्ट्री।